पाकिस्तान नॉर्वे फोरम के कायदी राजा आशिक साहब, इस्माइल गुड ब्रदर, हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी की आवाज अरशद भाई चौधरी साहब, और आप वैसे एक एक बंदा अपनी इनफरादी हैसियत से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आसिफ ने कहा कि 2 अगस्त से ये यहाँ पे हमने खुशी मनाने का एक सिलसिला शुरू किया, आज 27 अगस्त है, पूरा महीना आपने आज़ादी की इस नेमत को जो हमें बहुत कुर्बानियों के साथ मिली, आपने उसकी तजदीद के लिए, उसकी सेंसिटाइजेशन के लिए, अपनी अगली नस्लों को उसके बारे में बताने के लिए ये सिलसिला इंतहाई इत्तफाक से जारी रखा। एक भी प्रोग्राम ऐसे नहीं हुआ कि वो क्लैश कर रहा हो एक दूसरे के साथ, और एम्बेसी के लिए एक मुश्किल पेश की हो कि हमने तो ज़ाहिर है जहाँ पाकिस्तान का झंडा होगा हमने वहाँ पे जाना है। तो इससे ये एक बात बहुत अयां हुई कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो किस कदर इत्तफाक के साथ सारे तश्कील देती है प्रोग्राम, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ आपने ये दिया जलाए रखा, और ये दिया जलाए रखना है घर की खातिर। हम सब दुख झेलते हैं लेकिन हमने दिए को बुझने नहीं देना, और अपने अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाना है। यहाँ पे बात हुई पाकिस्तान के बारे में उम्मीदी या ना उम्मीदी की, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान है, एक एक बंदा आप में से जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आप लोगों से मिल के बनता है ना। अगर आप में से हर एक को अपने दिल में यकीन है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस मुल्क के लिए इसका नाम बुलंद करने में हेल्पफुल है, थोड़ा सा भी सही, उस पर शर्मिंदा मत हों कि थोड़ा सा क्यों है, थोड़ा थोड़ा मिलके ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप में से हर कोई अपने अपने हिस्से का ये दिया जला रहा है तो फिर तो नाउम्मीदी की बात ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो आप में से किसी को नाउम्मीदी की बात नहीं करनी चाहिए। नाउम्मीदी की बात वो करेगा जिसका दिल उसे बता रहा होगा कि तुमने अपने हिस्से का दिया नहीं जलाया। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के मसाइल, जैसे आसिफ ने कहा कि वो इस कदर इंटरट्वाइंड और इस कदर पेचीदा नौयत के थे जिसमें बैरूनी और अंदरूनी बहुत से अवामल का जो है हल करने की भी इस्तेदा ज़रूर होनी चाहिए और हल करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनमें कोई कमी नहीं, और इसके बावजूद हम चले, ऑब्वियसली हम एट द सेम टाइम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क में हम सिस्टम्स को भी डिवेलप करें। तो ऑब्वियसली उम्र के साथ हम सब छोटे थे और फिर ही हम बड़े हुए हैं, और हर लम्हे हम सीख रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने अभी 76वीं सालगिरह मनाई है, तो मुल्कों की उम्रों में 76 तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम जैसे यानी आप समझें कि अपनी नौजवानी को भी नहीं पहुँचे। तो इसमें हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुंदिये बादे मुखालिफ भी बेतहाशा है। तो आज पाक नॉर्वे फोरम के लोगों में एक जो ईगल है वो आपको इकबाल का वो शेर याद कराता है कि तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मीना ने कुछ आज़ादियों की बात की, टंग इन द चीक रिमार्क्स थे, सार्केज़्म भी था तारीफ के अंदाज में, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में वाकई बहुत आज़ादियां हैं और नेक्स्ट लेवल की आज़ादियां, आपके डेमोक्रेसी भी नेक्स्ट लेवल की है। आप यहाँ पे वो कुछ करके दिखाएं जो वहाँ पे हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी किस तरह से इजहार कर सकता है, यहाँ पे आपको ये हक शायद ना मिले। लेकिन ये जो है आज़ादी, इस पर अगर अभी पाबंदियाँ नहीं लगाईं जिसकी तरफ इशारा किया गया, तो ये पाबंदियाँ हम चाहते हैं कि ये दिल से उभरें, क्योंकि पाबंदी जब भी बाहर से लगाई जाती है ये इंसानी जबिल्लत है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आती है। पाबंदी का शोर जब अंदर से उभरता है तो तब
वो पाबंदी जो है वो एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ आती है और तब माशरे में उसका इजहार जो है वो स्टेबिलिटी लाता है। तो हम में से हर किसी ने अपनी जो आज़ादी है उसको खुद रेगुलेट करना है कि हमने जो है इसके ज़रिए जो आप भी पाकिस्तान हैं मैं भी पाकिस्तान हूँ, हमने अपने लिए तो जो हरकत करनी है जो एक्शन है हमारा उसके साथ बंधी हुई हमारे मुल्क की इज्जत का क्या दारोमदार है। इस क्वेश्चन के साथ अगर हम अपने हर एक्शन की आज़ादी को रेगुलेट करेंगे हमारे सब एक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बस इसके साथ मैं यहाँ पे अपनी गुजारिश आपको ख़त्म करती हूँ। आज राजा आशिक साहब ने बहुत प्यारे प्यारे शेर बोले तो उससे फिर मुझे भी एक शेर याद आया था कि खोने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई।